नमस्कार, मैं चंदन पाल मूवी चैनल स्पीकर। हम पिछले वीडियो में चैट जीपीटी के बारे में बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस आई बटन में क्लिक करके जाकर देखो। आज का टॉपिक है थ्रेड और ट्विटर की। आखिर इस थ्रेड को बनाया किसने और क्यों बनाया, और इस थ्रेड आने से ट्विटर का जो फाउंड एंड सीईओ है इलोन मस्क, उनकी मन में इतना खलबली बची हुई क्यों? हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखना। हम शुरुआत करते हैं इलोन मस्क से। कौन है इलोन मस्क? ट्विटर का जो नया मालिक, फाउंडर एंड सीईओ, इस पूरी दुनिया की बादशाह, सबसे रईस आदमी, अमीर आदमी इलोन मस्क जी। लेकिन इलोन मस्क सोच रहा है कि इस पूरी दुनिया की बादशाह तो मैं हूँ, लेकिन इंटरनेट सोशल मीडिया इसमें बादशाह कोई और है, वो है मार्क जुकरबर्ग। और ये चीज़ इलोन मस्क को अच्छा नहीं लगा। दुनिया का तो बादशाह मैं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया इंटरनेट का बादशाह कोई और कैसे हो सकता है? मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को लॉन्च किया 2004 में, और 2006 आते आते फेसबुक पूरी दुनिया में पहुँच गया। और 2006 से लेकर 2012 तक फेसबुक एक नंबर ऐसा ऐप्स था जहाँ पर हर महीना 300 बिलियन से भी ज़्यादा इंसान इसको यूज़ कर रहा था। फेसबुक एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म था। तो उस टाइम मार्क जुकरबर्ग सोच रहा था कि मेरे आगे तो इस दुनिया में कोई ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं कि मेरे से कंप्लीट कर सके। और उस वक्त आया इंस्टाग्राम, 2012 में इंस्टाग्राम आया और फेसबुक से ज़्यादा चलने लगा। फेसबुक का जो यूज़र था वो इंस्टाग्राम में आ गया, क्योंकि इंस्टाग्राम में सिर्फ फ़ोटो पोस्ट करने का ऑप्शन था और कुछ नहीं। उसकी 10 साल बाद इंस्टाग्राम में आया वीडियो पोस्ट करना, लेकिन उस टाइम सिर्फ फ़ोटो पोस्ट करना था। और उस टाइम फेसबुक में भी फ़ोटो पोस्ट करना ऑप्शन था, लेकिन उस टाइम फेसबुक में फ़ोटो पोस्ट करने से अलावा और भी बहुत कुछ हो रहा था। तो उस टाइम जो यंग जनरेशन था वो सारे इंस्टाग्राम में आ गया। 2012 में फेसबुक से भी ज़्यादा यूज़र इंस्टाग्राम में हो गया। मार्क जुकरबर्ग ने सोचा कि ये तो मेरे से भी आगे निकल गया। तो मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया, इंस्टाग्राम को 2012 में ख़रीद लिया $44 बिलियन से। और फिर से मार्क जुकरबर्ग सोशल मीडिया का बादशाह बन गया। और जाते जाते 2014 में और एक बादशाह आया, वो है व्हाट्सअप। और मार्क जुकरबर्ग क्या किया, 2014 में फिर से व्हाट्सअप को ख़रीद लिया। और फिर से मार्क जुकरबर्ग सोशल मीडिया का बादशाह बन गया। और इलोन मस्क ने 2020 में आकर ट्विटर को ख़रीद लिया। और ट्विटर को ख़रीदने के बाद इलोन मस्क ने अजीबोगरीब रूल्स लागू करने लगा। इलोन मस्क ने ट्विटर को कहा कि आप मुट्ठी भर लोगों को ब्लूटूथ देती हो, जो ये सही नहीं है। हम हर किसी को ब्लूटूथ देंगे, सिर्फ महीने में 685 रुपया पे करना पड़ेगा और ब्लूटूथ उनको लग जाएगा। इसी तरह से अजीब रूल्स चालू करने लगा इलोन मस्क ने। और जो ट्विटर का यूज़र था उनको घबराहट होने लगा कि अगर हर किसी को ब्लूटूथ मिल जाएगा तो इसमें फेक आईडी ज़्यादा बन जाएगा। इस तरह का डर लगने लगा ट्विटर की यूज़र को। और उस टाइम ट्विटर लॉसेस में चल रहा था, तो इलोन मस्क ने ट्विटर का काम करने वाला कुछ लोग इलोन मस्क ने निकाल दिया। तो और भी डर लगने लगा ट्विटर की यूज़र को कि ट्विटर क्रैश ना कर जाए। और वही हुआ, इलोन मस्क आने से ट्विटर 6 बार क्रैश कर गया। इसी तरह से उस टाइम जो ट्विटर का यूज़र था वो और एक प्लेटफॉर्म में जाने लगा। और उस टाइम इंस्टाग्राम ने मार्क जुकरबर्ग, उसने लॉन्च किया थ्रेड को। और इलोन मस्क ने मार्क जुकरबर्ग को कहा कि तूने ये गलत किया, तूने पूरी ट्विटर को छाप लिया। थ्रेड में वो हर चीज़ है जो ट्विटर पे है। और थ्रेड को लॉन्च किया 6 जुलाई, और इसको लॉन्च करते इसमें 1 घंटे के अंदर अंदर 1 मिलियन यूज़र बन गया, जो आगे किसी ऐप में ऐसा नहीं हुआ, वो आज थ्रेड में हुआ। ट्विटर लॉन्च हुआ 2006 में, इसको 1 मिलियन यूज़र होने में 2 साल लग गया। और इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ 2010 में, और इसको 1 मिलियन यूज़र होने में सिर्फ 75 दिन लगा। और उसका बाद लॉन्च हुआ चैट जीपीटी, जिनको 1 मिलियन यूज़र होने में सिर्फ 5 दिन का टाइम लगा। और थ्रेड लॉन्च हुआ 6 जुलाई, और इसको 1 मिलियन यूज़र होने में लग गया सिर्फ 1 घंटा। थ्रेड लॉन्च होते ही पूरी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सोशल मीडिया इंसान के लिए आज के डेट पर इतना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गया कि सोशल मीडिया से इंसान बाहर नहीं आ सकता। और इसी का फायदा उठा रही है इलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग जैसा इंसान। और धीरे धीरे इसी तरह से सोशल मीडिया पूरा कब्जा बिठा लेगा इंसान के ऊपर। इंसान चाहकर भी इन सोशल मीडिया से बाहर नहीं आ सकता। जितना हो सके सोशल मीडिया को कम यूज़ करो।
क्योंकि सोशल मीडिया आपको कुछ बेच रहा है, आपका टाइम बर्बाद कर रहा है इस सोशल मीडिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगता है लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और कमेंट करके बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो। मिलते हैं कई नए वीडियो के कई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।